अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग जा रहे हैं मक्का की ज़ियारत के लिए और अभी अभी हम लोग निकले हैं होटल से। शोर है बाहर काफ़ी। ये बस है जो हरम पाक लेके जाती है उमरा करने वालों को, लेकिन हम लोग बस पे नहीं जा रहे, ये फैसल जा रहा है। और मैंने अपने ये वाला ग्लासेस साथ लेकर आई थी कि मैं ये पहनूंगी, लेकिन ये पहनने नहीं हुए क्योंकि इतनी धूप और धूप में अपने ग्लासेस होते हैं आई साइट वाले, सारा शौक यहाँ पे धरा का धरा रह गया। और मोस्टली जब हम उमरा करते हैं रात होती है, हाँ, और अगर दिन में भी करें तो आप मतलब अपने चेहरे में कोई चीज़ लगा नहीं सकते। नहीं, ग्लासेस तो पहन सकते हैं डेफिनेटली। हाँ, ग्लासेस मैंने मतलब दूसरे भी तो पहन सकते हैं ना। ग्लासेस का इशू नहीं था, सिर्फ मुंह पे नहीं लगा सकते, मुंह ढांप नहीं सकते, आप अपना सर नहीं ढांप सकते, वो भी मर्दों के लिए। तो इसको हम रखते हैं बैग में, हो सकता है कहीं पिक्चर्स वगैरह बनाने में काम आ जाए, अदरवाइज इसका कोई मेरे ख्याल में अब काम नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले हम जा रहे हैं हमारे खजूरें खजूरें हैं रास्ते में, वो फिर विम्मी से तो नहीं जाया जाएगा। नहीं, ये नहीं जाएगा, कंटिन्यू बहुत ऊपर है, यही है ना, है ना? वो ऊपर जो आने वाला जो पत्थर है ना, जो मतलब गुंबदार बने हैं, वो ये समझा दे। नहीं, ये तो बहुत टाइम चाहिए उतर, बहुत टाइम, ये घंटा डेढ़ घंटा एक साइड का पक्का लग गया। बाकी बात सही है, ये तो बड़ा बंदा फ्री होके वो ना, और उस दिन कुछ भी ना करे। ये सुबह टाइम फजर के बाद आप निकले ना, बहुत एक दिन गार हीरा पे, गार हीरा भी इस जितनी है उसके लिए। अच्छा जी, तो अम्मी जा नहीं सकती ऊपर, तो इस वजह से हम लोगों का प्लान जो है ना वो यही बना है कि हम लोग सिर्फ ज़ियारत कर लेते हैं, ऊपर तो नहीं जा सकते। पहाड़ी के ऊपर बहुत वैसे इसमें घूमने की भी चांसेस होंगे, मतलब रास्ता आपको नहीं समझ आया, आप गलत रास्ते पे निकल गए। एक ही रास्ता बना हुआ। अच्छा, एक ही रास्ता बना। काफी लोग हैं जो जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा। चलो जी, दरवाजा बंद कर। तो ये गारे सो रहे हैं जो कि बहुत ऊपर है, इसकी ज़्यादा ही काफी लग रहा, लोग बहुत कम लोग पहुंचते होंगे, बहुत कम लोग जाते हैं। वही ना, ये थोड़ा ऊपर तक बस जाएंगे, नीचे उतर रहे हैं ये सुबह टाइम फजर की नमाज के फौरन बाद ही जाना। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अपनी मैदान अरफा, मैदान अरफा जा रहे हैं, और हशर का मैदान जो यहीं पर लगेगा, लेकिन हम पहले ही जा रहे हैं चेक करने का क्या सीन है, क्या माहौल है, माहौल खतरनाक ही होगा। अच्छा, ये जो सारा एरिया ना, ये मैदान अरफात है, लेकिन इधर तो ये देखो ना, दरख्त भी है, पहाड़ियाँ भी हैं, तो ये हशर वाले दिन उड़ जाएगी हर चीज़, सब मतलब मैदान है ना पूरा, पीछे तो बाकायदा मैदान बना हुआ है ना, अभी तो यहाँ पे सब्जा वगैरह, ये सारा एरिया मैदान अरफात का, मैदान जी। अब हम जा रहे हैं मस्जिद निर्मा, और हाँ, मैदान अरफात के पास ही है मस्जिद निर्मा, और मुझे इसके मीनार भी वो थोड़े से नज़र आ रहे हैं कुछ। ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ है देखो, हाँ, अरफात एंड, यहाँ पे अरफात एंड देखो। अच्छा जी, यहाँ पे ना शॉवर सा लगाया हुआ है, और बड़ी हल्की फुल्की सी ना
पानी गिर रहा हल्का फुल्का सा, तो हमें लगा था कि बारिश हो रही है बाहर। और ये है मस्जिद निमरा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे नफल अदा करने लगते हैं, फिर मैं आपको बाहर निकल के इसका ज़रा पूरा व्यू दिखाती हूँ। कबूतर ही कबूतर है यहाँ पे भी। नफल अदा कर लिए हैं हमने और यहाँ पे कबूतर ही कबूतर है। और हम लोग भूल गए हैं अपना, हम लोग दाना लेकर आए हुए थे लेकिन साथ नहीं ला सके, पता ही नहीं था यहाँ पे भी होंगे। ओह वही बात है, यहाँ पे पानी ऐसे गिर रहा है जैसे बारिश हो रही है ऊपर से। ये चेक करें इनमें से पानी निकल रहा है। फैसल रियालो में खेल रहा है आजकल। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चलो भागो, चलो। अम्मी को दौड़ डालती हैं। हेलो अम्मी। अम्मी जी। हेलो कौन कौन है? अच्छा जी, अम्मी आप दाना डालने लगी हैं इन क्यूट क्यूट से कबूतरों को। इस साइड पे ज्यादा है अम्मी, इस साइड पे ज्यादा है, इधर डालें। अच्छा जी, ये है मस्जिद निमरा और यहाँ पे एक वक्त में ना 5 लाख से ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। वो वाला हिस्सा जो है वो बंद है, पता नहीं क्यों बंद है, और यहाँ पे ये खुला है। बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे भाई। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं जबले रहमत की तरफ और गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है। यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। वो देखे कैफेटेरिया, कैफेटेरिया लिखा हुआ है कैफेटेरिया हिसाब, हिसाब नहीं साहब है, उल्टा पड़ दिया था। वहाँ पे आइसक्रीम भी है। हम लोग ऊपर जा रहे हैं पहाड़ पे जबले रहमत पे, तो फैसल पानी ले रहा है क्योंकि रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ से फ्रूट है, वाटरमेलन है, वो ले लो क्योंकि ना चढ़ते चढ़ते पता है फिर प्यास लग जाती है और बहुत बुरी हालत हो जाती है। वाटरमेलन ले लो वहाँ से, वाटरमेलन ले लो उससे। दो ये लिए हैं और एक पानी की बोतल है। वो लोग गाँव देखने चले गए हैं। इधर ना तैयारी होने लग गया ऊपर जाने की। ये हैट लेने लगे हैं, हैट नहीं है अम्ब्रेला वाली है। और ये हम लोग ले रहे हैं कि धूप ना ज़्यादा महसूस हो। देखिए जी, मम्मा हमारी लेके बहुत जा रही है। वैसे कितनी प्यारी बनी गई है, देखो इस पे खाना काबा और रोज़ा रसूल भी बना हुआ है। कैसा अम्मी, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग यहाँ से आइसक्रीम लेने लगे हैं, आइसक्रीम। अच्छा भाई, ये 5 रियाल की थी और इसने पैसे पूरे किए। ये बहुत ज्यादा मजे की है, इतनी मजे की है, मुझे लगता है मैंने पाकिस्तान में तो खाई नहीं ना ऐसी, बहुत जबरदस्त है ये। अच्छा जी, अब बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे पास आकर देखा है तो ये तो भाई बहुत ऊपर है, अम्मी तो नहीं जा पाएंगी और लाजमी से पाता अम्मी हमारे साथ हैं तो उनको नीचे छोड़ के भी नहीं जा सकते।
मैंने पूरी तैयारी करके आए थे भाई, पूरी तैयारी थी हमारी, हमने वहाँ से वो छतरी भी ली है, तैयारी पूरी थी मतलब। नहीं वाकई इरादा हमारा था कि ऊपर जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर है और ऊपर है भी कुछ नहीं है, सिर्फ पहाड़ी तो है, ऊपर कुछ भी नहीं है, लोग ऊपर जाके पिक्चर्स बना रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज़्यारत है तो वो ऑलरेडी हो गई, तो ऊपर जाना समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या करे बंदा ऊपर जाके। चलो जी अब इधर रुक गए हैं फैसल साहब, ये फ्रेश बना के दोगे? हाँ ये तो पहले से बना के रखा हुआ है, नया बना दो, ताज़ा ताज़ा बना दो ना, ये पहले से बना हुआ है, नया बना के दो।